हमारे साथ हो गया है एक स्कैम। अरे कितना कुछ पहनेगा, पागल हो गया क्या? So I'm going to touch the snow for the first time. So guys, it's day two in Srinagar. और आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग की ट्रिप पे। टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है ना कि -5 चल रहा है अभी। स्नो तो नहीं पड़ रही है पर ये देखो होटल की विंडो जिसमें पूरा ये देखो भरा। हम रेडी हो चुके हैं हमारी लेयरिंग्स के साथ, हमारे आउटफिट्स, इसको देख रहे हो। मैं फर्स्ट टाइम स्नो देख रहा हूँ तो फिर भी मेरे को थोड़ी दिक्कत कम हो रही है, बट ये तो पहले भी स्नो देख के आया है, बट इसकी आदत मेरे से ज़्यादा ख़राब है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। सो अरे कितना कुछ पहनेगा, पागल हो गया क्या? श्रीनगर से पहलगाम 95 किलोमीटर्स का रास्ता है, तो पहलगाम पहुँचने का आपको लग जाते हैं 2.5 से 3 घंटे, डिपेंड है कि रास्ते में ट्रैफिक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पर नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ी तो छट्टी चल रही है बट कल रात को थोड़ी सी हल्की स्नोफॉल हुई है, तो वाइटिस बहुत दिख रहा है जगह पर। सो अभी हम पहुंच गए सोनमर्ग और आपके राजू गोला मिल गए जो हमें ग्लेशियर तक लेके जाएगा। ग्लेशियर का नाम क्या है भैया? थाजीवास ग्लेशियर, नीलगाटी गगड़ी का। तो यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे हम घोड़े के साथ। ठंडी तो बहुत है, -11 डिग्री चल रहा है। और ये रहा रितिन, ये बैठा है पुष्पा के साथ। अच्छा जो मैं बंदा हूँ ना, पता को पुष्पा झुकेगा नहीं, आगे चले गया। पालते ना भेड़ बकरी पालते हैं वो लोग, इसमें वो रहते हैं मानो समर में रहते हैं। अच्छा अभी नहीं घर जाते, तो अभी खाली रहते हैं इनके घर आज? हाँ आजकल खाली है, आजकल ये बंद है, आजकल एक फ्लोर से जो है पेड़ है ना व्हाइट वाला। हाँ पेड़ का नाम है बोझ पत्र, क्योंकि पुराने समय में पेपर में थे, फिर उसका छिलका निकालते थे तो उस पर लिख देते थे। अच्छा इस पे उसके छिलके पे लिखते थे? हाँ इस छिलके पे लिख देते थे, इसलिए नाम है बोझ पत्थर। ये पेपर ट्री है। चलो गाइस जब भी सोनमर्ग आओगे घाव साइड पक्का करना, मतलब एक अलग ही मजा है। थो आई वाज अगेंस्ट टू एनिमल क्रुएल्टी, बट ये लोग यहाँ पे इनका टेक केयर कर रहे अच्छी तरह से, मैंने खुद देखा।
एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू वॉक इन द स्नो इफ यू वॉन्ट टू सी सम पॉइंट्स. सो ठीक है, कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू टच द स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम. खाऊं क्या? नहीं, तो हम घूम रहे हैं अभी स्लेज पे. कहाँ अंदर अंदर आ गए हैं पॉइंट्स देखने को. और ये मिल गए हमें एक फोटोग्राफर जो हमारी रील्स एंड फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं. सो रिजल्ट आपको इंस्टा पे देखने मिलेगा. आपका नाम क्या है? फैजान भाई. फैजान भाई कश्मीर 961 ऑन द इंस्टाग्राम. सो यू कैन चेक आउट माय ऑल द रील्स हियर. साहब जब भी आए इनको इंस्टा पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट सच क्लिक्स. सब पहुंच गए ताजवर्स ग्लेशियर के यहाँ पे. बहुत ठंडी है और इतना सोना नज़ारा है ना, देख लो. ये सोना बंदा है कि इधर भी है और एक मैं भी हूँ. सो हम निकल पड़े हैं वापस अभी नीचे की ओर वापस पूनी के साथ. हमारे साथ हो गया एक स्कैम. जब मैं कश्मीर आने वाला था ना, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्वे किया था अबाउट कश्मीर एंड थिंग्स. तो वहाँ पे तो बताया था कि स्कैम्स बहुत होते हैं, बट हमें तभी लगा था कि हम देख के चलते हैं कि क्या होता है. मैंने इसलिए बहुत सारी वीडियोस देखी थी और मैं समझ गया कि इनके साथ कैसे रहने का है एंड ऑल एंड ऑल. क्योंकि कैसे रहना, मतलब मैं इन नॉट इन नेगेटिव में बात कर रहा हूँ, बट जब टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं तो इट्स अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल पीपल जो यहाँ पे हैं, जो पोनी चला रहे हैं, जहाँ पे हमारे फोटोज निकाल रहे हैं. तो क्या हुआ, फ़ोटो वाले से हमारी बात हुई एंड फ़ोटो वाले ने बोला कि 350 रुपये में हम आपको एक रील बना के देंगे. एक रील ना, उसने वीडियो हमको दिखाई तो हमारे साथ चला. उसने बहुत सारे शॉट्स लिए हमारे, 10-15 सेकंड्स की, ऐसे कुछ 20 वीडियोस ली. जब हम आ गए वापस अपने ऊपर जहाँ से हमको घर निकलना था ना, होटल की तरफ निकलना था, तो वहाँ ही सेड कि पर शॉट का मैं तुमसे 350 मांग रहा हूँ. अभी पर शॉट है 350 रुपीज़. तो उसने हमको बोला, पहले तो सुबह 26 वीडियो में, फिर 350 × 26 करते हैं तो 9,100 होता है. अब कब फोटो का है, कौन 9,000 देता है? चलो ठीक है, हमने बोला उसको हमको सब नहीं चाहिए अभी, अभी हमको सेलेक्ट करने की. तो सेलेक्ट करके 10 वीडियोज आई, तो 10 वीडियो का भी होता है 3,500. पर ये भाग रहे, पुष्पा भाग रही थी. तो उसको उसने हमको बोला था एक रील, बट आखिर वो पहुंच गया एक शॉट पे. सो गाइस, ऐसे स्कैम्स बहुत हो रहे हैं यहाँ पे. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि तुमको कैसा बात करना है. और मैं तो बोलूँगा, अगर तुम ब्लॉगर नहीं हो ना, फिर भी पूरी ये पूरा रिकॉर्ड कर देते करो, बिकॉज इट हेल्प्स बाद में कि तुम्हारी सेंटेंस क्या थी. सो फाइनली हम उसको 2,000 तो दे के आए हैं, बड़ी सेट की 1,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र करना, हम ट्रस्ट कर रहे हैं. सो देखेंगे वीडियो कैसी बनी है, बनाई है उसने एडिट करके, देन वी विल थिंक कि हमको ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट ये सब देख के मूड की डजिया उड़ गई, जो इतना मज़ा किया था ना उतना पागलबंदी हो गई ये सब करके. ठीक है गाइस, नीचे मिलता है. और ठंड तो बहुत हो गई, -13 डिग्री चल रहा है अभी, पैर जम गए हैं. मैं भी पूरा टाइट बैठा हूँ. ये सोनमार्ग आखिरी बार देख लो. और एक बात तो, हाँ, फोटोज तो निकले मेरे फोन से ही, खाली उसे निकालने का एक शॉट का 350 बोला. और ये नहीं हुई थी उसकी, ये रतन से बात हुई थी. अभी रतन ने उसे क्या बात की है, रतन उस Thank you.
guys, if you like the video, press the like button, comment, share, and subscribe.